सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एरे के सम के बारे में, जैसे हर एक एलिमेंट का सम करेंगे और उसको फैक्टोरियल निकालेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना देंगे, जिसमें क्या करेंगे अपनी सारी वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे और आंसर की वैल्यू किसे इनिशलाइज करेंगे, ज़ीरो से, ताकि ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड हो तो उसका सम कितना आता है वही वैल्यू आ जाती है, जैसे 0 + 1 1 आ जाएगा। इसलिए क्या किया, आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया। फिर क्या करेंगे, फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल लेंगे और उसमें क्या करते जाएंगे, अपनी सारी वैल्यूज को इनटू करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, कमेंट लिख दे रही मैं, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमें एरे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एरे डिज़ाइन कर देती हूँ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंट एरे, फिर मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट आता है, फिर अपनी वैल्यूज़ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये हम लोग वैल्यूज़ लिख ली, सेमी कॉलन। उसके बाद क्या करेंगे, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0 नाम का वेरिएबल बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू कहाँ से, 0 से लेके आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक, एरे डॉट लेंथ तक जाएगा और क्या होगा, आई प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे हम लोग, आंसर इक्वल टू आंसर, वहाँ पे क्या करते थे, आई करते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस एरे ऑफ आई करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, ये हमारी कंडीशन हो गई। और फिर फॉर लूप के बाहर निकल के हम लोग इसको प्रिंट करवा लेंगे, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और अपने किसके आंसर नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे। उसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स का हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरे डॉट लेंथ है ना, तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, एरे ले लिया, आंसर नाम का आंसर इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल बनाया, क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर 0 ऐड करते हैं तो वो डिजिट चेंज नहीं होती। यह करा फॉर लूप चलाया इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एल। फिर यह करा हम लोगों ने आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, तो हमारा इसका सम निकाल लेंगे फॉर लूप के बाहर निकल के, ये देखो 15 आ गया इसका सम। अब मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल भी निकालना होता तो सपोज इंट काउंट इज इक्वल्स टू 1 लिखती, फॉर लूप है तो क्या होता हमारा यहाँ पे, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट इंटू एरे ऑफ आई। इसमें क्या हो जाता हमारे, मल्टीप्लिकेशन हो जाता, जैसे फैक्टोरियल निकल आता। तो हम लोग क्या करवा लेते हैं, इसको कॉपी यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे आंसर की जगह हम लोग किसको काउंट करवा लेंगे, यहाँ पे देखो एरे यहाँ पे आ जाएगा, आंसर की जगह काउंट आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सारे डिजिट्स है ना उनका फैक्टोरियल निकल आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, काउंट की वैल्यू किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यहाँ पे काउंट की स्पेलिंग सही होती है, तो फिर क्या होता है, 1 से चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो चेंज नहीं होता है, तो काउंट इक्वल टू काउंट इनटू एरे ऑफ आई का ना, ये देखो 120 आ गया हमारा, सबसे पहले वाला सम वाला था और नेक्स्ट वाला हमारा फैक्टोरियल का था। तो यहाँ पे लिख भी दे रही मैं, क्या कहते हैं, सम ऑफ एरे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ एरे, और यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस लगा दिया, और इधर क्या लिख दिया, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ एरे, और यह कर दिया यहाँ पे कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे प्लस लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सारे यहाँ पे आंसर का और काउंट का, इन दोनों का आ जाएगा आंसर। देखो आ गया सम ऑफ एरे 15 आ गया, फैक्टोरियल ऑफ एरे कितना आ गया, 120। हमें पता भी होगा 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। वही क्या है, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स है उसके फैक्टोरियल कितना आता है, 120। हमारा रीचेक भी हो गया, कितनी ईजिली हम लोगों ने सीख लिया सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे प्लस फैक्टोरियल ऑफ एरे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।